श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति श्रीफल न्यूज। श्री समाज के हुमर नगर का भव्य शिलान्यास 9 नवंबर 2017 को समाज द्वारा खरीदी गई भूमि पर समाज जनों की बैठक श्री दिनेश जी खोडनिया की अध्यक्षता एवं पंडित जी हंसमुख जी के आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक में 40 बीघा परिसर का नामकरण हुमर नगर रखने, शैक्षणिक संस्थान, हुमर भवन, संत भवन का निर्माण करने हेतु पंडित जी हंसमुख जी द्वारा 9 नवंबर 2017 गुरुवार को शिलान्यास के मुहूर्त की घोषणा की गई, जिसे समाज ने हर्ष ध्वनि के साथ सहमति प्रदान की। बैठक में अध्यक्ष जी ने भूमि की खरीद से लेकर आगे शिक्षण व हुमर संस्थान बनाने तक की भावी योजना बताई एवं सभी समाज के गणमान्यों से अपने अपने गांवों में जागरूकता करने का आह्वान करते हुए प्रत्येक 4 या 5 गांवों के मुख्य युवा एवं महिला महासभा के सदस्यों की कमेटी बनाकर जनसंपर्क करने की जिम्मेदारियां बांटी गई। युवा अध्यक्ष प्रवीण जी घोड़ा व महिला अध्यक्ष प्रेरणा जी शाह ने सभी गांवों में जनसंपर्क अभियान को शानदार करने की घोषणा की। बैठक में पूर्व अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल जी पिंडारिया ने समाज के इस ऐतिहासिक दिवस पर शिलान्यास किसी गुरु के सानिध्य में करने का सुझाव दिया। बैठक में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों सहित कई पदाधिकारी, गांव के प्रतिनिधि व वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। भीलोड़ा समाज के पंचों ने सबका स्वागत किया। तलवाड़ा पंचों ने 13 अगस्त को उनके गांव से अभियान शुरू करने की घोषणा की। बैठक में संस्थान के निर्माण एवं उसे विधिवत चालू करने हेतु श्रीमान गणेश लाल जी सराफ साबला ने अपनी पूर्णकालिक सेवाएं देने की घोषणा की। समाज ने श्री गणेश जी को हुमर नगर परिसर के निर्माण समिति का प्रबंध निदेशक मनोनीत कर बहुमान किया। इस अवसर पर भूमि को भगवान के गंतोदक से पवित्र किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज़।